हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। दोस्तों आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। जी हाँ, लोग कम और जंगल ज्यादा नजर आते हैं जिसकी वजह से यहाँ के बारे में तमाम कहानियाँ बोली जाती हैं। एक ऐसा देश जहाँ है दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग। इस देश में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा वुडन चर्च भी देखने को मिलता है। वेल, इस देश की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हैं। वेल, जब बात आती है पीने की तो यहाँ के लोग उसमें सबसे आगे हैं। यहाँ की जनता में वाइन और बियर पीने की गजब ही शौक है। जी हम यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक रोमानिया के बारे में एक से एक बढ़कर जानकारियाँ देने जा रहे हैं। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि रोमानिया देश का बॉर्डर हंगरी, यूक्रेन, सोल्कीवा, सर्बिया, मोल्डोवा और बुल्गेरिया देश से जुड़ा हुआ है और साथ ही इस देश के एक तरफ ब्लैक सी भी मौजूद है। इस देश की जनसंख्या है तकरीबन 2 करोड़ और पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 67वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की डेंसिटी की बात की जाए तो वो है 84 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। रोमानिया देश 230,170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 56% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वही 44% लोग गांव में। दोस्तों क्या आपने कभी फ्रांसिस्को इले का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं, ये दुनिया के सबसे अच्छे कॉफी बनाने वाली कंपनी के फाउंडर हैं। आपको बता दें इनका जन्म रोमानिया में ही हुआ था। इन्हें 2006 में रोमानिया के मोस्ट पावरफुल लोगों में जोड़ा गया था। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे अच्छे कॉफी पिलाने वाला बंदा भी रोमानिया से ही है। आपको जान के हैरानी होगी कि रोमानिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर्स होते हैं। जी हाँ, ये आपकी तरफ ऐसे देखेंगे कि जैसे आपने कोई गलती कर दी है और आप अपनी तरफ ही देखने लगते हैं। कहते हैं कि जो लोग यहाँ पहली बार जाते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। वाकई में एक्टर्स है रोमानिया के लोग। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेज 4G इंटरनेट स्पीड किस देश में है? जी वो है रोमानिया। यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि आप किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे आप कितनी भी रोमेट जगह पर चले जाइए, यहाँ पर 4G की स्पीड सबसे ज्यादा मिलती है दुनिया के मुकाबले। रोमानिया में रेल की बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है क्योंकि यहाँ देश के हर एक छोटे इलाके से रेल कनेक्ट है। इसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग बहुत कम पैसों में ही हो जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि किस देश ने अब तक सबसे बड़ा झंडा बनाया है? कुछ जान के हैरानी होगी कि ये रोमानिया ही है। यहाँ पर 2013 में 1300 कुछ मीटर का झंडा बनाया गया था जिसका वजन था 5 टन से ज्यादा। इस झंडे के बनाने में तकरीबन 44 मील लंबा धागा का इस्तेमाल किया गया था। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये झंडा कितना बड़ा होगा। और फ्रेंड्स, पूरी दुनिया जाती है रोमानिया घूमने, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोग भी कम घुमक्कड़ नहीं है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि साल में एक बार जरूर फैमिलीज यहाँ से दूसरे देश जाती है घूमने के लिए। 16 साल की उम्र से ही यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अकेले हॉलीडे मनाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सॉसेज की शुरुआत भी रोमानिया से ही हुई थी। आज पूरी दुनिया सॉसेज को काफी पसंद करती है। ऐसे में दोस्तों हमें थैंक्स बोलना चाहिए यहाँ के लोगों को कि इन्होंने दुनिया को सॉसेज जैसे टेस्टी फूड दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की ये मेंटेलिटी है कि जो करना है खुद के लिए ही करना है। वेल, दोस्तों आपको बता दूं कि जब बात आती है खूबसूरत लड़कियों की तो ये इजीली दुनिया के 5 टॉप नंबर में आ जाता है। कहते हैं यहाँ की लड़कियाँ हद से ज्यादा खूबसूरत और ओपन माइंडेड होती हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं और रिश्ते बनाकर रखती हैं। दोस्तों आप अपने दिल को जरूर बचा के रखिएगा क्योंकि यहाँ की लड़कियों को देखकर आपको जरूर ही मोहब्बत हो जाएगी उनसे। दोस्तों ये है एक खूबसूरत देश, यहाँ का नजारा देखने के लिए सैलानियों की काफी भीड़ होती है और साथ ही अगर आपको भी मौका मिले तो आप यहाँ जरूर आना। तो दोस्तों ये था रोमानिया, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने पहले इस देश की यात्रा की है तो कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।